बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जॉब्स एमसीक्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये एलडीसी का पेपर हुआ है और ये 5 तारीख यानी 5 दिसंबर को मुल्तान में ये पेपर हुआ था। एफबीआर का पेपर है। जितने भी एमसीक्यूज़ मुझे मिले हैं तो वो आप सबके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा जो 5 तारीख को और पेपर हुए थे, इस सारों की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि पाकिस्तान के कौमी शायर का नाम क्या है। तो पाकिस्तान का कौमी शायर जो था ये अलामा मोहम्मद इकबाल है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि शहराए कराकुरम जो है कब मुकम्मल हुई। तो शहराए कराकुरम जो है ये 1979 को मुकम्मल हुई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि मुल्क देश का सुल्तान तमाम मुसलमानों का खलीफा समझा जाता है। तो ये मुल्क सऊदी अरब का जो सुल्तान होता है ये तमाम मुसलमानों का खलीफा समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है ये कहाँ पर कायम हुई। तो ये ढाका में कायम हुई। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि पहली जंग अजीम का आगाज़ जो है कब हुआ। 1914 से हुआ, 1918 तक था। दूसरी जंग अजीम का आगाज़ जो है 1939 से हुआ और 1945 तक था। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि बंगाल की तकसीम देश में हुई। तो 1905 में बंगाल की तकसीम हुई और 1911 में इसकी तनसीख हुई। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि कायदे आज़म ने 14 नुकात कब पेश किया। तो कायदे आज़म ने 14 नुकात 1929 को पेश किए और ये 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था उसके हवाले से इनका ये जवाब था। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि तरबेला डैम जो है दरियाई सिंध पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कि किस गज़वे में खंदक कूदी गई थी। तो ये गज़वा होता और गज़वा इस खंदक को कूदने का मशवरा जो है हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या था। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम इसके भाई का नाम था और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी पैगंबर थे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि हिज्जतुलविदा किसको कहा जाता है। हिज्जतुलविदा जो था हज़रत सल्लम ने आखिरी हज के मौका पर जो खुतबा दिया था ये उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि जिन किताबों को सियासत्ता कहा जाता है इनकी तादाद कितनी है। तो इनकी तादाद 6 है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर की दारकूमत का नाम क्या है। मुजफ्फराबाद है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे शमसी निज़ाम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है कौन सा है। जुपिटर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि वर्ल्ड हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, पंजाब असम्बली के स्पीकर कौन है। तो चौधरी परवेज इलाही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि नस्वारा से क्या मुराद है। नस्वारा से मुराद है ईसाई हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि तिरजमीर इज लोकेटेड इन, तिरजमीर जो है ये हिंदू कुश रेंज में है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि हु इज़ द लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान या कौमी असम्बली ऑफ पाकिस्तान में जो है अपोजिशन लीडर कौन है। तो ये शहबाज शरीफ है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि हु इज़ द गवर्नर यानी हु इज़ द करंट गवर्नर स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन है, रसा बाकिर है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि विच कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। क्रूड ऑयल जो है सबसे ज़्यादा दूसरी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन करता है। तो ये सऊदी अरबिया है, पहले नंबर पर यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि हु डब्ल्यूएचओ हेड क्वार्टर इज़ लोकेटेड इन, डब्ल्यूएचओ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। ये जनेवा में है। इसके अलावा एक ऐसा क्वेश्चन भी था कि पाकिस्तान ने सबसे आखिरी वर्ल्ड कप जो है कब जीता था। तो 1994 में जीता था। तो फ्रेंड दिए था पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।